आज की गतिविधि है 1 से 10 तक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को बच्चों द्वारा बोर्ड वर्क करवाना। इस गतिविधि के लिए हमें चॉक और ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता होगी। गतिविधि को शुरू करने के लिए शिक्षक सबसे पहले कक्षा में सभी बच्चों को 2 टीमों में बांटें। अब शिक्षक बोर्ड पर 2 कॉलम बनाएं। पहले कॉलम में गिनती के क्रम में खड़ी लाइनें खींचें और दूसरे कॉलम में खड़ी लाइनों के सापेक्ष अंक थोड़े बड़े आकार में सुस्पष्ट तरीके से लिखें। अब शिक्षक बच्चों को 2-3 बार लाइनें गिनकर और उसके सापेक्ष लिखी संख्या पढ़कर बताएं। शिक्षक बच्चों को बताएं कि आप बारी बारी से दोनों टीम में से एक बच्चे को बुलाएंगे और उनसे एक सवाल करेंगे। जिस टीम का बच्चा सवाल का पहले जवाब देगा वो टीम जीत जाएगी। शिक्षक बच्चों को ये गतिविधि एक उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। अब शिक्षक बच्चों को बुलाकर अंकों से संबंधित सवाल करें, जैसे कौन सी संख्या सबसे छोटी है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, इनमें से कौन सी संख्या 3 से छोटी है। सवाल थोड़े सरल रखें। जिस टीम का बच्चा सही जवाब देगा वो टीम जीत जाएगी। अगर दोनों टीम में से कोई सही जवाब नहीं दे पाए तो कक्षा के बाकी बच्चों को उत्तर देने का मौका दें। इस गतिविधि को शिक्षक तब तक करवाएं जब तक कि सभी बच्चों को कम से कम एक बार सवाल का जवाब देने का मौका ना मिल जाए। आइए इसी गतिविधि से संबंधित एक वीडियो देखते हैं जिसमें संख्याओं को उनके घटते और बढ़ते क्रम में दिखाया गया है। बढ़ते और घटते क्रम में संख्याओं की व्यवस्था करना। आज हम बच्चों को बढ़ते और घटते क्रम में संख्याओं को व्यवस्थित करना सिखाएंगे। इस गतिविधि के लिए हमें 3 कटोरियों में भिन्न संख्याओं में दाल या अन्य घरेलू वस्तुओं की जरूरत होगी। यहाँ मैंने 3 कटोरियों में दाल के कुछ दाने रखे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता किस कटोरी में अधिक दाने हैं और किस में कम। यह जानने के लिए हम प्रत्येक कटोरी में दानों की संख्या गिनेंगे। पहली कटोरी में है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दाने। दूसरे कटोरी में है 1, 2, 3 दाने और तीसरी कटोरी में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 दाने। तो अब हम बच्चों को इन्हें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना सिखाएंगे। किस कटोरी में दानों की संख्या सबसे कम है? जिस कटोरी में सिर्फ 3 दाने हैं, तो हम उसे सबसे पहले रखेंगे। अभी 3 के बाद बड़ी संख्या कौन सी है? 6 और 8 दोनों ही 3 से बड़े हैं, लेकिन 3 के सबसे करीब कौन सी संख्या है? 6। तो हम 3 के बाद 6 दानों की कटोरी रखेंगे। 6 से बड़ी संख्या कौन सी है? 8। तो अब हम 8 दानों की कटोरी रखेंगे। इस तरह हमने दानों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है। अब हम एक और उदाहरण देखेंगे और संख्याओं को घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। इसके लिए हम सबसे बड़ी संख्या को पहले रखेंगे। तो 3, 6 और 8 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8। तो हम पहले 8 रखेंगे। अब हम 8 से छोटी यानी घटती संख्या रखेंगे। 3 और 6 दाने दोनों 8 से छोटे हैं, लेकिन 6 8 के करीब है, तो हम 6 दानों की कटोरी रखेंगे। और आखिर में सबसे छोटी संख्या 3 दानों की कटोरी को रखेंगे। तो यह क्रम हो गया 8, 6 और 3, जो घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इस गतिविधि को बच्चों को अन्य घरेलू वस्तुएं और अन्य संख्याओं के साथ दोहराइए और उन्हें वस्तुओं को बढ़ती और घटती क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहिए। और हाँ, कार्य को पूरा करने के बाद बच्चों के दोस्तों और टीचर के साथ शेयर करना ना भूलें। अब शिक्षकों के लिए
शिक्षक वीडियो में दिखाई गई गतिविधि का उपयोग कक्षा में छात्र के साथ कर सकते हैं, क्योंकि यह कार्य उद्देश्य को मजेदार तरीके से समझने में मदद करेगी। पानी और आसमान का खेल खेलेंगे। इस खेल के लिए चौक या डंडी की आवश्यकता होगी। खेल को शुरू करने से पहले शिक्षक जमीन पर तीन बड़े गोले बनाएंगे। एक गोले में जमीन लिखेंगे, दूसरे गोले में पानी और तीसरे गोले में आसमान लिखेंगे। अब शिक्षक बच्चों को खेल के नियम बताएंगे। जैसे यदि शिक्षक साइकिल कहेंगे तो बच्चों को जमीन के रूप में दिखाए गए गोले में कूदना होगा। इसी तरह यदि शिक्षक पानी में चलने वाली किसी सवारी का नाम बोलते हैं तो बच्चे को पानी के रूप में दिखाए गए गोले में कूदना होगा। यदि शिक्षक कहते हैं हेलीकॉप्टर तो बच्चा आकाश के रूप में दिखाए गए गोले में कूदेगा। शिक्षक इस बात का ध्यान रखें कि पहले बच्चों को गतिविधि के बारे में बताएं और उन्हें करके भी दिखाएं, फिर निर्देश दें। ये खेल बच्चे की एकाग्रता शक्ति को बड़ी मांसपेशियों के विकास के साथ विकसित करने में सहायक होगा।